इन दिनों यूपी में बाबाओं का बोलबाला है, जिनकी वजह से प्रदेश भर में तनाव का माहौल देखने को मिल रहा है। कुछ इस तरह से ही खबर गाजियाबाद से भी सामने आई है, जहां पर जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद के पैगंबर मोहम्मद को लेकर दिए गए बयान पर बवाल शुरू हो गया है। शुक्रवार को रात में बुलंदशहर में समुदाय विरोध करने लगा। विशेष समुदाय के लोग जो हैं वो सड़कों पर उतर आए और नारेबाजी भी करने लगे। पुलिस लोगों को समझाकर शांत कर रही है, तभी कुछ लोगों ने पत्थरबाजी भी शुरू कर दी। इसके बाद रात में पीएससी को बुलाया गया और स्थिति को नियंत्रण में लाया गया। बुलंदशहर के बाद गाजियाबाद में भी हालात तनावपूर्ण हो गए हैं। वहीं पुलिस ने भी यति नरसिंहानंद को डिटेन किया है। सूत्रों की माने तो उन्हें मंदिर से ले जाकर पुलिस लाइन में रखा गया है। समुदाय विशेष के लोग रात में सड़कों पर उतरे और डसना मंदिर का घेराव भी किया। पुलिस ने रात 12 बजे तक स्थिति को कंट्रोल में किया। जानकारी के मुताबिक जब भीड़ ने मंदिर का घेराव किया, तब उस समय नरसिंहानंद मंदिर में ही मौजूद थे। वो इसी मंदिर के पीठाधीश्वर हैं। गाजियाबाद बुलंदशहर के बाद मेरठ, मथुरा और मुरादाबाद में भी मुस्लिम समाज का विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। इसके बाद सभी जिलों में पुलिस के तरफ से, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के तरफ से सड़कों पर उतरकर फ्लैग मार्च भी किया गया है। फिलहाल पुलिस ने पश्चिमी यूपी में हाई अलर्ट भी घोषित कर दिया है। मामले में लखनऊ ईदगाह के इमाम मौलाना खालिद रशीद फिरंगी ने यति नरसिंहानंद के बयान पर नाराजगी भी जताई थी। उन्होंने कहा कि मौलाना का बयान शर्मनाक और निंदनीय है, पुलिस को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। वहीं गाजियाबाद पुलिस ने FIR में कहा है कि महानगर अध्यक्ष पंडित मनमोहन झा को पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर लिया है। उन्होंने प्रदर्शन का ऐलान किया था। बता दें कि यति नरसिंहानंद ने गाजियाबाद के एक कार्यक्रम में 6 दिन पहले पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर विवादित बयान दिया था। मामले में गाजियाबाद पुलिस ने नरसिंहानंद के खिलाफ 2 FIR दर्ज कराई है। वहीं एक अन्य FIR ठाणे के मुंबई पुलिस थाने में दर्ज कराई गई है। अब तक नरसिंहानंद पर सिर्फ और सिर्फ 3 FIR दर्ज की गई है इस मामले में, जिसको लेकर पश्चिमी यूपी में तनाव का माहौल देखा जा रहा है। फिलहाल पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है, पूरी तरह से कार्रवाई कर रही है इस मामले में, और पुलिस का कहना है कोई भी इस मामले को बढ़ावा ना दे।